ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला से है, जहां रीवा गोविंदगढ़ तक ट्रेन दौड़ावे की पूरी योजना बनाई जा चुकी रही है और बहुत जल्दी यह ट्रेन बता दी कि दौड़े की संभावना जताई जा रही कि फरवरी महीना तक काम हो जाए और के बीच रीवा से गोविंदगढ़ के बीच ट्रेन चले जाएगी। यही बीच बता दी कि बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब रेलवे लाइन के काम जो है ठप होता नजर आ रहा है। योजना में जो है पानी फिर सकत है, काहे से कि किसानन के द्वारा एक दर की पूरी के अपनी मांगन खातिर आवाज बुलंद कीन का है। बता दी कि रेलवे के द्वारा मुआवजा न दे के आरोप लगावा है, लगातार या किसानन के द्वारा मांग उठाई जात रही है और एक दर के पुन के किसान लामबंद हो चुके हैं और एक कारण जो उन्हें काम ठप पड़ चुका है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सवैजनिन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि एक तरफ जहां रेलवे विभाग फरवरी के महीना में रीवा से गोविंदगढ़ तक शटल ट्रेन दौड़ावे की योजना बनावत रहा, तो दूसर कही बता दी कि रीवा से सीधी रेल लाइन काम एक दर की पुन के ठप हो चुका है, किसान धरना में बैठ गए हाँ और एक कारण काम जो है समय पर हो तो नजर नहीं आवा लगा। किसानन के द्वारा ये दौरान कहा गया कि जब तक रेलवे के द्वारा प्रभावित किसानन का नौकरी न दीन जाए तब तक कोनो मेर के काम किसान ना हो दे। रेलवे विभाग के ऊपर के बता दी कि रेलवे विभाग के कर्मचारियों के द्वारा यह जानकारी रीवा कलेक्टर का दे के साथ है मुख्यालय का दीन गई है। किसानन के द्वारा ये मामले में कहा रहा कि पहले रेलवे विभाग के द्वारा कई किसानन के मुआवजा के साथ नौकरी दीन गई रही, पर कुछ दिन के बाद विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कीन गया रहा, जोने में कहा गया रहा कि अब किसानन का नौकरी न दीन जाए। रेलवे के या दोहरा ऊपर बता दें कि रेलवे के ऊपर दोहरा व्यवहार के आरोप किसानन के द्वारा लगावा जा रहा है और एक कारण किसान लामबंद हो चुके हैं, धरना में बैठ गए हम धरने में बैठे किसानन के कहा है कि जिला मुख्यालय के अधिकारी ये मामला में कोनो ध्यान नहीं दे लगा ही। कुछ समय पहले किसान एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे रहे, जहां कलेक्टर के द्वारा रेलवे अधिकारी से बात कही के समस्या के निराकरण करवावे के बात कही गई रही, पर सरकार न तो ध्यान दे रही है न मैं जिला के प्रशासनिक अमला और यही कारण अब किसान लामबंद हो चुके हैं, धरना में बैठे का मजबूर है, उनके पास दूसर कोनो चारा समझ में नहीं आ रहा है। बता दें कि रेलवे सूत्रन के मुताबिक रेल विभाग फरवरी के महीना में रीवा से गोविंदगढ़ तक ट्रेन चलावे की योजना बनाए के तेजी से काम करत रहा, पे किसानन के द्वारा यह विरोध जो उनकी जाला है ये काम में रुकावट पैदा कर रहा है। बतावा जाता है कि रीवा से गोविंदगढ़ के बीच लगभग काम पूरा हो चुका है, उड़की गाँव के लगे कुछ काम बचा है और एक खातिर लगातार कर्मचारी तेजी से काम करत रहे कि फरवरी महीना तक एक लक्ष्य रखा रहा कि एक काम का पूरा कर ली जाए। अब जो है किसानन के आंदोलन हो चुका है, जिसके कारण यह काम पूरी तरीके से बंद हो गए है। बता दें कि किसानन के द्वारा ये मामले में कई दर की आवाज़ उठाई गई रही, किसानन के द्वारा ये आरोप लगावा गया रहा कि रेलवे के द्वारा जमीन का अधिग्रहण कर लेगा, नौकरी के वादा कीन गया रहा और ऐसे में अब किसानन के जमीनों चली गए, अब उनका नौकरी नहीं मिली आए तो उनके सामने रोजी रोटी के संकट हो रहा है, काहे से कि जमीन जो है खेती बाड़ी के काम करते रहे वो तो रेलवे विभाग के द्वारा पहले लीन गए, अब रेलवे के ऊपर जो है वादा से मुकरे के आरोप किसानन के द्वारा लगावा जा रहा है और यही कारण किसान एक तरह की फिर से आंदोलन में बैठे हैं। हालांकि जिला कलेक्टर का मामले में जानकारी दीन कही गई, अब देखे वाली बात यह हुई कि फरवरी तक जो काम पूरा हो के बात कही गई कि फरवरी के लास्ट तक जो ट्रेन है वह गोविंदगढ़ तक चले लगी, तो अब ये आंदोलन के बाद यह काम जो है कितना पीछे जात है या फिर रेलवे जो रही किसानन के आंदोलन का खत्म करे में कामयाब रही या समय बताई, तो दे इजाजत रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। ज्वाइन करो अरीना गेमिंग इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट और बनाओ अपना फ्यूचर गेम डिजाइन में, जहां लाखों प्रोफेशनल्स के डिमांड है। Did I just see my future? I am game for it. Arena Gaming. Are you game for it?